व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल देयर गाइस. आज हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम्स के सिलेबस के बारे में. एज यू नो दैट इन द सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन दिस ईयर वी हैव रीट एग्जामिनेशंस ऑल्सो. सो आई हैव द सिलेबस ऑफ रीट एग्जामिनेशंस इंग्लिश सब्जेक्ट लेवल सेकेंड, दैट इज क्लास ए 6 to 8. सो गाइज, वी शैल डिस्कस द सिलेबस अ बिट इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले जो हमारे पास सिलेबस में टॉपिक है वो है अनसीन प्रोज पैसेज. एक्चुअली स्टूडेंट्स, हमारे पास दो क्वेश्चंस होंगे जिसमें अनसीन प्रोज पैसेज आते हैं. अब आप सोचेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है. डिफरेंस है कॉम्प्रिहेंशन का और डिफ़िकल्टी लेवल का. एक पैसेज आपको ऐसा मिलेगा जिसके अंदर आपको अनसीन प्रोज पैसेज पढ़कर उसके अंदर से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, स्पेलिंग्स और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे. जैसे कि सिनोनिम्स. सिनोनिम्स होते हैं समानार्थी शब्द जिनका सेम आंसर होता है, सेम मीनिंग होता है. एंटोनिम्स होते हैं वो शब्द जिनका उल्टा मीनिंग होता है, जो विपरीतार्थक होते हैं, जो ऑपोजिट होते हैं. उसके बाद आता है स्पेलिंग्स. स्पेलिंग्स करेक्शन के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे, जिसमें आपको सही स्पेलिंग्स, चार स्पेलिंग्स, एक ही वर्ड की चार स्पेलिंग्स लिखी होंगी और आपको उसमें से सही स्पेलिंग्स को टिक आउट करना है. इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे वर्ड फॉर्मेशन के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेकार्थक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं जिसके के अंदर आपको एक वर्ड छांटना होता है. जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिया, जैसे कि अ पर्सन हु टीचेस, एक व्यक्ति जो पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, एंड द आंसर इज़ अ टीचर. आपको उस तरह से छांटना होगा. आपने ये पहले भी पढ़े होंगे, अ पर्सन हु असिस्ट अ डॉक्टर इज कॉल्ड नर्स, अ पर्सन हु मेंस शूज इज कॉल्ड कॉबलर. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मिलते हैं. सेकेंड, अगेन देयर कम्स अनसीन प्रोज पैसेज. दोबारा से एक अनसीन प्रोज पैसेज होगा. प्रोज पैसेज को आपको पढ़ना होगा. पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस के जो जवाब देने हैं उनके अंदर होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आधारित क्वेश्चन, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव के क्वेश्चंस आएंगे. टेंसेस पर क्वेश्चन होंगे, जिसमें टाइम एंड टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. जैसे आपको कोई भी एक लाइन दी होगी और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा टेंस है, या फिर आपको एक टेंस दिया जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर कंटिन्यूस, कौन सा भी एक टेंस होगा कि इस टेंस का वाक्य कौन सा है. और ऑप्शन में आपको चार लाइनें दी होंगी और आपको उस करेक्ट आंसर को टिक आउट करना है. इसके बाद डिटरमिनर्स होंगे. डिग्री ऑफ कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी हमें इसमें मिलते हैं. डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे एडजेक्टिव्स की डिग्री होती हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना. टॉल एक पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री है, एंड टॉलेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री. तो इस तरीके से आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का एक नॉलेज होना चाहिए. उसके बाद आता है फ्रेमिंग क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस. आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए जिसमें WH क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं. WH क्वेश्चंस हु, विच, व्हाट, हुम वाले से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं. इसके बाद आता है वॉइस. वॉइस के अंदर एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव चेंजिंग जो है वो होता है. बट आपको रीट एग्ज़ाम के अंदर नॉर्मली एक्टिव से पैसिव के अंदर ही चेंज करने को क्वेश्चंस मिलते हैं. इसमें आपको किसी भी टेंस का कोई लाइन दी होगी या वाक्य दिया होगा और आपको उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा. इसके बाद आता है नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. अकॉर्डिंग टू द रीट एग्जामिनेशन पास्ट पेपर्स, इसके अंदर हमेशा आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करने को होता है. कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना होता है. उसके बाद जो टॉपिक है, जो नॉर्मली हमारे हिंदी मीडियम्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, वो है नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स. गाइज, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है अगर आप पर्टिकुलरली इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो. इसके अंदर इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसके अपने कुछ सिंबल्स होते हैं. उनका वर्ड का जो एसेंट होता है, प्रॉपर एसेंट, उसको सीखना होता है और उसके सिंबल्स को सीखना होता है. बट थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपको, क्योंकि ये आप बहुत बड़े लेवल पे आपको नहीं मिलेगा, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इसको सीख सकते हैं. इसके लिए एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा. देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. तो इसमें लैंग्वेज टीचिंग की बात आ जाती है. आप टीचर बनने वाले हैं, आप उसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं,
तो ऑब्वियसली आपको टीचिंग स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत हैं पढ़ाने के, उसके बारे में क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाइक टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज, इस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि जो लैंग्वेज स्किल हैं बच्चों के अंदर या टीचर के अंदर, दोनों के ही अंदर, आप कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, उसका विकास से संबंधित जो भी कौशल होते हैं, भाषा के कौशल से विकास से संबंधित जितने भी तरीके होते हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस इसमें मिल जाते हैं। TLM जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसके आधारित आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसमें मल्टीमीडिया शामिल है, टेक्स्ट बुक जो भी हमारी पाठ्यपुस्तक होती है वो भी शामिल है, और भी मटेरियल, जैसे आपसे पूछ सकता है कि कोई भी एक मटेरियल आपको दे देगा कि ये दृश्य सामग्री है या श्रव्य सामग्री है, ऑडियो है या वीडियो मटेरियल है, वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द फाइनल टॉपिक इन द सिलेबस ऑफ रीट एग्जामिनेशन इंग्लिश इज द कॉन्टिन्यूस एंड द कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, क्योंकि हमारे स्कूलों में पहले ही चल चुका है और इसके ऊपर काफ़ी चर्चा में रहा है ये टॉपिक, तो इससे भी क्वेश्चन हमें अक्सर मिलते हैं, इसकी एक सुपरफिशियल नॉलेज कम से कम हर स्टूडेंट को होनी ही चाहिए। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन इन लैंग्वेज, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत डीप नहीं तो सुपरफिशियली हमें समझ में आना चाहिए कि आप कैसे बच्चों को असेसमेंट देंगे और कैसे आप उसका मूल्यांकन करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो गाइज ये था सिलेबस हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट का, जो लेवल सेकेंड है रीट का उसका। तो आई थिंक आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आपको इसमें फेस आप करते हैं, आपको रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में परेशानी आ रही है, तो देर इज़ नथिंग टू वरी, वी आर देयर टू हेल्प यू। सो वी आर गोइंग टू अपलोड वीडियोज़ ऑन ईच ऑफ द टॉपिक एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग।